नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और दक्षिणी राज्यों के एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे। महिला सशक्तिकरण पर G20 का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वर्तमान आकलन वर्ष के लिए रिकॉर्ड संख्या में 6 करोड़ 77 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 200 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री आज शाम उत्तर प्रदेश के काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एनडीए सांसदों के साथ भी वार्ता करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रिज क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की थी। इन समूहों का गठन एनडीए घटकों के चुनाव के दौरान अधिक तालमेल बिठाने के लिए किया गया है। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगा। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष वीडियो संदेश से होगी। 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी करेंगे। एक रिपोर्ट। सम्मेलन के दौरान होने वाली चर्चा और विचार विमर्श में शिक्षा, महिला उद्यमिता, सभी स्तरों पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी, जलवायु कार्रवाई में परिवर्तनकर्ता के रूप में महिलाएं और लड़कियों की भूमिका और महिला सशक्तिकरण के लिए डिजिटल कौशल आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन के हिस्से के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2 दिन की विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जो भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के समय स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था जैसे अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान पर केंद्रित होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध के बीच कल कई विधेयक पारित किए गए। लोकसभा में कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड और अन्य सदस्य मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के बीच लोकसभा में अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 और संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। ये विधेयक इस वर्ष मई में घोषित अध्यादेश का स्थान लेगा। आकाशवाणी से बातचीत में बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए दिल्ली संशोधन बिल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी। दिल्ली से संबंधित बिल पे पार्टी बिल को समर्थन करती है और दिल्ली सर्विसेज बिल को पारित करने के लिए वो समर्थन देगी। और दूसरी तरफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष की तरफ से लाया गया है, उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के विरुद्ध हम वोट करेंगे। ये एक 3-लाइन व्हिप भी बोथ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को इश्यू किया गया है और सभी सांसदों को बोला गया है हाउस में प्रेजेंट रहने के लिए और सरकार की जो पार्टी की जो निर्णय है उस निर्णय को समर्थन करते हुए उसी हिसाब से करते। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 कल लोकसभा में पेश किया गया। ये केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबद्ध नियम बनाने का अधिकार देगा। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयक पर उठाई गई आपत्तियां राजनीति से प्रेरित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है, अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में आज माल और सेवा कर GST परिषद की बैठक होगी। इसमें ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% कर लगाने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। परिषद ने 11 जुलाई को अपनी पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% कर लगाने को मंजूरी दी थी। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए रिकॉर्ड 6,77,00,000 से अधिक आयकर रिटर्न ITR दाखिल किए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने बताया है कि 31 जुलाई तक दाखिल किए गए ITR की कुल संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। 31 जुलाई के दिन 64,00,000 से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए। हरियाणा में 31 जुलाई को दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद नूह और उसके आसपास के जिलों में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। किसी भी आकस्मिक घटना को रोकने के लिए नूह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में निषेधाज्ञा लागू है। नूह और गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। एहतियात के तौर पर गुरुग्राम जिले के सोहना उपमंडल के शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूह जिले में हुई हिंसा को पूर्व नियोजित बताया है। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में राज्य के गृहमंत्री अनिल विज, उच्च प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बहाल करने का आग्रह किया है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि घटना में शामिल लोगों की पहचान के प्रयास जारी हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। एहतियात के तौर पर वहां कर्फ्यू लगाया गया है, कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास FIR हुई है और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने नशीले पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई में डार्कनेट के माध्यम से संचालित दो अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का भंडाफोड़ किया और पिछले 3 महीनों में घातक LSD के 29,103 ब्लॉट के विशाल भंडार के साथ 22 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थों के खिलाफ इस बड़ी सफलता के लिए NCB को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर मतदाता सूची में संक्षिप्त संशोधन आज से शुरू किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इसकी शुरुआत एकीकृत मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन से होगी। इसके लिए दावे और आपत्तियां 2 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राप्त की जाएंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज राजधानी रायपुर और अन्य जिला मुख्यालयों में वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कल हैदराबाद में उन्नत सुविधा वाले 466 नए वाहनों को राज्य के सभी जिलों के लिए रवाना किया। विभिन्न सेवाओं वाले इन वाहनों में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, गर्भवती महिलाओं और शव वाहनों को सेवा प्रदान करने वाली निःशुल्क अम्मा वोडी सेवा शामिल हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि इस पहल से राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसे देखते हुए इंडिया पोस्ट हर घर तिरंगा का उत्सव मनाने के लिए देशभर में 1,60,000 डाकघरों के माध्यम से
राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री करेगा। ई पोस्ट ऑफिस सुविधा के माध्यम से भी राष्ट्रीय ध्वज खरीदे जा सकते हैं। ये अभियान पिछले वर्ष बेहद सफल रहा था। उस समय 23 करोड़ परिवारों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया। भारत ने त्रिनिदाद में खेले गए तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 200 रन से हराकर श्रृंखला अपने नाम कर ली। दोनों देशों के बीच 5 2020 मैचों की श्रृंखला 10 अगस्त से शुरू होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मॉनसून दूसरे चरण में बारिश सामान्य रहने की संभावना है। मॉनसून की इस अवधि के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि अगस्त सितंबर में वर्षा दीर्घावधि औसत के 94% से 106% तक सामान्य होने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विमलेंदु। हरियाणा में हिंसा अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, नूह में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। हिंसा के पीछे साजिश की आशंका, अब तक 5 की मौत, 44 एफआईआर, 70 संदिग्ध हिरासत में। जनसत्ता का कहना है कि 3 जिलों में इंटरनेट बंद। लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश विधेयक के कुछ बदलावों के साथ पेश किए जाने का अखबारों ने उल्लेख किया है। पंजाब केसरी लिखता है, लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, विपक्ष का कड़ा विरोध, चर्चा आज। नवभारत टाइम्स लिखता है, बीजू जनता दल सरकार के साथ। जनसत्ता का कहना है, अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8 अगस्त से होगी चर्चा। लगातार 3 दिन की चर्चा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं जवाब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, बिहार में जातिगत गणना दोबारा शुरू होगी। पटना उच्च न्यायालय ने जनगणना से रोक हटाते हुए राज्य में जाति आधारित गणना की वैधता को चुनौती देने वाली सभी रिट याचिकाएं खारिज की। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जुलाई में 1,65,000 करोड़ रुपए रहा जीएसटी संग्रह, पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11% बढ़ा। आने वाले महीनों में त्योहारी सीजन शुरू होने से जीएसटी संग्रह में हो सकती है बढ़ोतरी। हिंदुस्तान का कहना है, विनिर्माण की गतिविधियों में मामूली गिरावट, पीएमआई सूचकांक जुलाई में 57.7% रहा। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 100 रूपये सस्ता। राजस्थान पत्रिका कहना है, गरीबों के आवास बनाने में मध्य प्रदेश से पिछड़े राजस्थान और छत्तीसगढ़, गोवा में सबसे ज्यादा और बिहार में सबसे कम बने गरीबों के आवास। नया दौर शीर्षक से राजस्थान पत्रिका कहना है, विकसित देशों में पीने का चलन हो रहा है कम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और दक्षिणी राज्यों के एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे। महिला सशक्तिकरण पर G20 का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी और वर्तमान आकलन वर्ष के लिए रिकॉर्ड संख्या में 6,77,00,000 से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।